अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों आज आपके लिए रेडमी 9C का कंप्लीट रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो पहले हम दे चुके हैं अपने चैनल पर, और ये फ़ोन कैसा है बिल्कुल आपको गाइड करूंगा। इस फ़ोन को मैं पिछले कई दिनों से खुद पर्सनली इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि क्या ये फ़ोन आपकी डेली की ज़रूरियात पूरी करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्राइस है वो 16,699 रुपया है, और अगर आप बात करें इस वेरिएंट की रैम और इंटरनल स्टोरेज की, तो जी हाँ जनाब, 2 GB रैम और 32 GB रोम के साथ ये फ़ोन आपको ऑफ़र किया जा रहा है, यानी 2/32 में आपको ये मिलेगा। और मैंने इसमें हल्की फुल्की जो है वो गेमिंग भी खेली है, यानी कि गेम्स भी ट्राई की हैं, जैसे पबजी है, सबवे सर्फर्स हैं, तो किसी भी गेम ने मुझे मायूस नहीं किया। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जनाब, इस फ़ोन की जो बैटरी है वो बड़ी कमाल की है कि 5000 mAh की बैटरी जो है इस मोबाइल में आपको मिलेगी। तो आज के रिव्यू का मकसद यही है कि क्या ये 16,699 रुपये को जस्टिफाई करता है या नहीं करता, इस बात को ही हम साबित करेंगे। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको कैमरा का जो टेस्ट है वो भी करके दिखाएंगे, और कैमरा टेस्ट के लिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली हैं, वो बिल्कुल इस वीडियो में आगे चलकर आपको दिखाई जाएंगी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें गेमिंग के लिए G35 चिप यूज़ की गई है, जो कि अच्छी एक एवरेज दर्जे की गेमिंग चिप है, जो कि आपको लो बजट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कह लें कि दिखाती है। और इसके अलावा अगर आप बात करें इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी यार कोई बुरी नहीं है। और अगर आप बात करें इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन भी मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और ये आप एक देखें, सनसेट ऑरेंज कलर है मेरे पास, और सनसेट ऑरेंज कुछ ऐसा नज़र आएगा। और एक और आपको मज़े की यार चीज़ बताऊं, इतने पैसों में अगर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, यानी यार 16-17 हज़ार की रेंज में अगर कोई आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे दे तो क्या ही बात है। तो बिल्कुल इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी इंक्लूड किया गया है, और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है इसकी प्राइस वैल्यू के हिसाब से। और अगर आप बात करें इसके कैमरास की, तो इसमें 3 कैमरास आपको बैक साइड पे मिलेंगे और 1 कैमरा आपको फ्रंट साइड पे मिलेगा। और अगर आप बात करें प्राइमरी कैमरा की, तो इसमें 13 MP का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है, और अगर आप सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो इसमें 2 MP का एक कैमरा, और उसके बाद जो तीसरा कैमरा है वो भी 2 MP का ही है। और इसके अलावा अगर आप फ्रंट कैमरा की बात करें, तो 5 MP का आपको इसमें फ्रंट कैमरा भी ऑफर किया गया है। और मैंने फ़ोटोज़ का रिज़ल्ट देखा, तो फ़ोटोज़ का रिज़ल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा है, और वो मैं रिज़ल्ट भी आपको अभी दिखाता हूँ कि इसके जो फ्रंट और बैक कैमराज का रिज़ल्ट है वो कैसा है। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद इसकी चीज़ें बता दूँ कि इसकी जो हैंड हेल्ड फील है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई है, यानी 16,699 में एक अच्छा फ़ोन अच्छे डिज़ाइन के साथ। और इसमें एक ही मुझे ड्रॉबैक नज़र आया इस फ़ोन में इसकी प्राइस के हिसाब से, कि इसमें माइक्रो USB जो है वो दी गई है और USB Type-C नहीं इंक्लूड की गई। लेकिन खैर, अगर आप पैसों को भी देखें, तो पैसों में आप अगर माइक्रो USB भी एडजस्ट कर लें तो मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर माइक्रो USB की बजाय USB Type-C दे दी जाती तो काफ़ी ज़्यादा कमाल हो जाना था। और गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें G35 चिप यूज़ की गई है, जो कि गेमिंग को काफ़ी हद तक यार सपोर्ट कर रही है। मैंने इसमें कुछ गेम्स खेली हैं और मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम जो है वो नज़र नहीं आया। और इसके अलावा अगर आप बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें डिस्प्ले का जो रिज़ल्ट है और जो ब्राइटनेस का लेवल है मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा। और Xiaomi ये क्लेम कर रहा है कि इसमें 400 nits की ब्राइटनेस को यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक डिसेंट नंबर है, और आपको काफ़ी ज़्यादा अपना मोबाइल जो है वो ब्राइट लगेगा। और बैटरी, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 5000 mAh की जो बैटरी है वो इसमें यूज़ की गई है, और 5000 mAh की बैटरी अगर आपको मिले, तो मेरा ख्याल है कि ये बैटरी इस काबिल होती है कि आपका पूरा दिन बड़ी आसानी से निकाल सकती है, ख्वाह आपका कितना भी हैवी यूज़ क्यों ना हो। 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ अगर आप इसके साइज़ की बात करें, तो ये 6.53 डायगनली आपको ये LED का साइज़ आपको मिलता है, यानी कि 6.5 इंच का ये मोबाइल जो है वो आपकी ज़रूरियात के हिसाब से ठीक है। 6.5 इंच का साइज़ काफ़ी डिसेंट होता है। इसके अलावा इसका एक बड़ा वेरिएंट भी पाकिस्तान में लॉन्च किया गया, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 3 GB और 32 GB के साथ भी इसका एक बड़ा वेरिएंट भी लॉन्च किया गया है। 3 GB और 32 GB के साथ इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन
20,000 के करीब हो जाती है, 19,999। लेकिन अगर आप 2 GB और 32 GB के साथ लेंगे तो इस मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस है वो 16,699 रुपया है। अगर आप प्रोसेसर की बात करें तो इसमें ओक्टा कोर का प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो कि कॉर्टेक्स A53 चिप का हामिल है। अगर आप इसमें चिपसेट की बात करें तो इसमें G35 आपको दिया गया है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि गेमिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन ये चिप है, खासकर मिड रेंज में और लोअर एंड के फ़ोन्स में G35 ठीक है, एक ज़बरदस्त चिप है जो कि हालिया इन्हीं दिनों में इंट्रोड्यूस करवाई गई है पिछले कुछ माह से। जो भी हमें एंट्री लेवल के अच्छे फ़ोन्स जो देखने को मिल रहे हैं उसमें ये G35 चिप जो है वो इंक्लूड है, जिससे आपको पबजी काफ़ी बेहतर जो है वो खेलने को मिलती है। और इसके अलावा अगर आप बाकी मकबूल गेम्स की भी बात करें जो कि आप खेलना पसंद करते हैं तो G35 उन गेम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आपके लिए हमने कुछ गेम्स को भी प्ले किया है। सबसे पहले मैं आपको ये सबवे सर्फर्स खेल के दिखा रहा हूँ। सबवे सर्फर मुझे इसलिए गेम रिव्यू के लिए बड़ा अच्छा गेम लगता है क्योंकि इससे टच की सेंसिटिविटी बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट हो जाती है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इसको खेलता रहता हूँ तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अगर थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी लूज़ हो तो मेरी उंगलियाँ उसी टाइम मुझे बता देती हैं कि यार टच की जो सेंसिटिविटी है वो अच्छी नहीं है। मुझे खैर इसकी टच की सेंसिटिविटी भी अच्छी लगी, काफ़ी बेहतर लगी, और इसके साथ साथ मुझे गेम में किसी किस्म का कोई लैग भी नज़र नहीं आया और काफ़ी स्मूथ तरीके से जो है मैं गेम खेल पा रहा हूँ। और इसके बाद हमने इस पर पबजी भी खेल के देखी, क्योंकि अगर पबजी ना खेली जाए तो डेफिनेटली गेम टेस्ट कभी भी पूरा नहीं होगा। तो पबजी भी काफ़ी स्मूथ चल रही है, पबजी में हमें किसी किस्म का कोई ख़ास लैग देखने को नहीं मिला। और ये देखिए आपके सामने हम पबजी प्ले करके आपको चेक करवा रहे हैं, तो आप ख़ुद चेक कर सकते हैं कि पबजी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जो है इस पर चल रही है और हमारे जो प्लेयर भाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारे जा रहे हैं। तो पबजी टेस्ट में आप चेक करें कि किसी किस्म का भी लैग जो है वो आपको देखने में नज़र नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि आप इससे बिल्कुल अच्छे तरीके से गुजारा कर सकते हैं। अगर आप एक पबजी लवर हैं, आप पबजी गेम्स को खेलना पसंद करते हैं, तो ये मोबाइल बिल्कुल आपको हेल्प करेगा कि आप पबजी पे अपना शौक़ पूरा करते रहें और आपको एक अच्छा पबजी एक्सपीरियंस ये मोबाइल जो है वो प्रोवाइड करेगा। और अगर आप इसके स्क्रीन के डिस्प्ले की बात करते हैं तो जनाब इसमें 269 PPI यानी कि 269 पिक्सल पर इंच डेंसिटी की रेजोल्यूशन आपको मिलती है, जो कि ठीक है इस प्राइस रेंज में एक अच्छा डिस्प्ले जो है वो आपको मिल रहा है। और अगर आप इस फोन के वेट की बात करते हैं तो ये 196 ग्राम का आपको मिलेगा, यानी कि 196 ग्राम इस फोन का वेट है, जो कि ठीक है हाथ में पकड़ा हुआ आपको बहुत ज़्यादा भारी महसूस नहीं होता। 196 ग्राम वेट की वजह ही मेन ये है कि इसमें 5000 mAh की बैटरी यूज़ की गई है, जिसकी वजह से इसका जो ओवरऑल वेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी फ़ोन अगर आप कंसीडर करते हैं 200 ग्राम से नीचे तो वो अच्छे वेट का हामिल ही समझा जाता है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट आप इसको कह नहीं सकते। और अगर मैं बात करूं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो जनाब इसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया है। और अगर मैं इसके अपने UI की बात करूं तो इसमें MIUI 12 जो कि लेटेस्ट UI है मी की जानिब से, उसको यूज़ किया गया है। और अगर मैं खुलासा करूं सारी बातों का तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप 16,699 रुपए में बिल्कुल इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। मेरी तरफ़ से ये फ़ोन हाईली रिकमेंडेड है। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इसके कैमरास के टेस्ट की, तो बिल्कुल कैमरा के कुछ टेस्ट भी मैंने किए हैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि कैमरा किसी भी फ़ोन का सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। अगर आप कैमरास को चेक नहीं जब तक करते तो आप बिल्कुल भी फ़ोन लेने के लिए जहन नहीं बनाते। तो यही सोचकर मैंने कैमरा को टेस्ट किया है, इसके जो बैक कैमरास हैं उनको भी टेस्ट किया है और इनके फ्रंट कैमरा के जो रिजल्ट्स हैं वो भी मैं आपको चेक करवाऊँगा। तो चलिए चेक करते हैं कैमरास को। और जनाब ये हैं कुछ कैमरा सैम्पल्स, और आप कलर्स देखें यार कितने कमाल के कलर्स जो है वो ले रहे हैं। हालांकि डार्क कलर्स जब होते हैं तो उनको दिखाना ही असल कारनामा होता है। तो ये देखें एक डार्क कलर का मैंने आपके सामने एक सैम्पल रखा है, और सारे ये जितने भी सैम्पल्स हैं मैंने डार्क कलर्स के लिए हैं ताकि आपको दिखा सकूं कि ये कलर्स को कितना ज़बरदस्त वाइब्रेंट ले रहा है और काफ़ी शोख कलर ले रहा है। और आप ये कह नहीं सकते कि यार इसकी जो प्राइस है वो इसके कैमरा को जस्टिफाई नहीं कर रही। इतने पैसों में अगर आपको कैमरा इतना अच्छा रिज़ल्ट दे रहा हो तो दिल खुश हो जाता है। तो अब आप चेक करें कि ये हमारे कैमरास के कुछ सैंपल्स हैं, और सारे मैंने बैक कैमरा से ये सैंपल्स लिए हैं, तो इसका जो बैक कैमरा का जो रिज़ल्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरतअंगेज़ लगा है।
और मैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ इसकी परफॉर्मेंस से। और यह इसके फ्रंट कैमरा का रिजल्ट, मैंने फ्रंट कैमरा से भी 2-3 सेल्फीज़ ली हैं और फ्रंट कैमरा का रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैरतअंगेज़ और अमेजिंग रिजल्ट है। आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि रिज़ल्ट जो है वो तसली बख्श नहीं है, तो फ्रंट कैमरा का रिज़ल्ट भी काफ़ी बेहतर रहा। और इसके बाद चेक करते हैं इसका वीडियो टेस्ट और वीडियो के कुछ सैम्पल्स मैंने लिए, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि वीडियो के सैम्पल मैंने एक टेलर की शॉप पे मैं गया और मुख्तलिफ कलर्स की चीज़ें पड़ी हुई थी उसकी शॉप पे, तो आप देखें कलर्स जो हैं अलग-अलग ये बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पहचान भी रहा है और काफ़ी अच्छे से दिखा भी रहा है। तो इस शॉप में आपको बहुत से कलर्स अलग अलग दिखाई देंगे, तो ये काफ़ी बेहतर तरीके से जो है वो कलर्स को ले रहा है। और वीडियो सैंपल में आप एक चीज़ बड़ी गौर से देखें कि ये लाइट को बड़े बेहतर तरीके से ले रहा है, हालांकि ये इनडोर रिकॉर्ड की गई वीडियो है, लाइट कंडीशंस को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी तरीके से ये लाइट को दिखा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहा है हमें वीडियो टेस्ट में भी। उम्मीद करता हूँ कि इस फ़ोन का कंप्लीट रिव्यू आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।